नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक, इंडियन न्यूज के जानना जरूरी है। मैं आप सभी का स्वागत है। पेट की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई जूझ रहा है। उसके लिए हमें बहुत सारी परेशानियां होती है। हम कहते हैं पेट अच्छा रहेगा तो दिन अच्छा रहेगा। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष दुधे जी। आशीष जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज। थैंक यू आशीष जी। जैसा कि मैंने कहा, पेट की समस्या से सब जूझ रहे हैं, तो एक हेल्दी पेट के लिए किन किन चीजों की आज के डेट में जरूरत है और कैसे एक व्यक्ति अपने आप को हेल्दी पेट को रख सकता है? अच्छा, देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पेट की समस्या किस कारणों से होती है, पहले वो जानना जरूरी है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अभी हम पेशेंट देखते हैं जो भिलाई में, उसमें जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो है, एक तो अल्कोहल जिन जो सेवन करते हैं उसके वजह से पेट की समस्या होती है, दूसरा स्मोकिंग के वजह से भी होती है, तीसरा जो बहुत बार बोलते हैं पेट में एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, वो भी एक कारण होता है पेट की समस्या। तो उसमें खाने के लिए जो मेन है, जैसे आपका फैटी फूड्स जिसमें जो फैट्स कंटेंट ज़्यादा होता है, जो फास्ट फूड है, ये सब चीज़ों को हमको अवॉइड करनी होती है। तेज मतलब मिर्ची वाला खाना या फिर मसालेदार, ये सब हमको अवॉइड करना होता है बेसिकली। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये कॉमन चीज़ें फर्स्ट डील करते हैं पहले और इनको अवॉइड करना होता है। जैसे आपने कहा हरी मिर्ची या मसाले, तो हम कई बार हमारे घरों में या नुस्खे रहते हैं कि मसालों से हेल्थ अच्छी रहती है, चाहे वो जिंजर गार्लिक पेस्ट में मसाले मिक्स करके करते हैं, तो एक जो हरी मिर्ची रहती है या लाल मिर्ची रहती है, क्या उसे भी अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है कि अवॉइड मतलब एक संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही आप मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि उसके भी कुछ कुछ अच्छे रहती है जो लीवर पे अच्छा इफेक्ट रहता है गार्लिक का जी। लेकिन हमको सब चीज़ों को एक लिमिटेशंस में लेना है। आप कोई भी चीज़ का एक्सेस करोगे तो उससे आपको बीमारी हो सकती है जी। तो लिमिटेशंस में लेना है, पूरा अवॉइड मतलब बंद, कट ऑफ नहीं करना है उस चीज़ों को, एक मात्रा में। मात्रा में आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग जूझ रहे हैं एसिडिटी से। हर मतलब 5 में से 2 व्यक्तियों को एसिडिटी होती ही होती है जी। तो एसिडिटी का क्या सॉल्यूशन है और एसिडिटी कैसे आती है और किस एज में आती है, उसके बारे में जरा। देखिए, एसिडिटी जो मेनली हम लोग बोलते हैं कि एडल्ट्स में, एडल्ट जनरली आप 18 साल के ऊपर, उनमें ज़्यादा कॉमन रहता है। एसिडिटी के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि हमको बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन होती है पेट में या फिर सीने में जलन होती है, ये मेन होता है, उसके वजह से पेशेंट आता है हमारे पास। तो उसके जो मोस्ट जो मतलब जो जनरली जो कॉमन जो उसके जो कारण होते हैं एसिडिटी के, एक तो होता है कि अगर पेट में घाव है, छाले हैं, उसके वजह से हो सकता है, दूसरा जो खाने से रिलेटेड है, और तीसरा एक चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है कोई पेशेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसके वजह से भी एसिडिटी होती है। सोचने के वजह से भी बढ़ती है। अगर किसी को कम है, सपोज़ किसी को 10% हो रही है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रहा, चल रहा है उसका लाइफ, लेकिन एंग्शियस हो जाएगा कि मेरे को वो ही है या कुछ बीमारी है अंदर, तो वो उसको बढ़ा देती है। और मींस इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ, ब्रेन के साथ भी है, ब्रेन गट एक्सिस भी होता है, उसके साथ भी उसका कनेक्शन होता है। जैसा आपने कहा कि एसिडिटी घाव या छालों की वजह से भी होती है, तो घाव या छाले किस टाइप से होते हैं और कैसे हो जाते हैं घाव या छाले? घाव और छाले बेसिकली जो हम देखते हैं ना, कि अगर पेट में इन्फेक्शन है, एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके एक इन्फेक्शन होता है पेट में, वो हम जो बाहर जो फूड्स लेते हैं उसके वजह से भी होता है, बाहर का पानी और ये सब जो खाना खाते हैं उसके वजह से होता है। तो उसके बेसिकली हम लोग एंडोस्कोपी करके उसकी एक जाँच करते हैं, सपोज़ अंदर छाले मिल रहे हैं या लाली बोलते हैं जिसको, छोटे घाव रहते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। तो अभी तक जो मैंने यहाँ पे किया है, 90% में पेट का इन्फेक्शन में आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव आया। ये क्यों होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी? ये जो बाहर के खानों की वजह से, मतलब हम कभी ना कभी तो बाहर का कुछ ना कुछ खाते ही हैं, मतलब पूरे एज में, तो मेन कारण तो उसका वही होता है इन्फेक्शन आने का। और ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये ट्रीटेबल है, मतलब आप इनका एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 14 दिन का, लेकिन वो आपको टेस्ट करवाना होता है, टेस्ट करके देखना होता है पॉजिटिव, तभी आप वो एंटीबायोटिक का कोर्स तो दे सकते टेस्ट हैं। के लिए ब्लड टेस्ट या एंडोस्कोपी? नहीं, एंडोस्कोपी के लिए ब्लड टेस्ट भी होता है, लेकिन उनका सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा नहीं है कि अपन बोल सके कि ये है ही करके। और लेकिन जो एंडोस्कोपी के लिए टेस्ट करते हैं, वहाँ से एक टिश्यू टुकड़ा लेते हैं छोटा सा, उसको एक किट रहती है उसमें करते हैं, उसका कलर चेंज होता है, तो वो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं फिर उसको। तो जो एसिडिटी है वो किस एज से शुरू होती है, इसकी कोई एज का कोई ऐसा? कोई एज का नहीं, बड़े एज कम है, छोटे एज में भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो एडल्ट्स में होता है, और बहुत सारे जो केसेस मैंने देखा इन्फेक्शन रिलेटेड या अल्सर्स ये सब,
और दूसरा एक जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंग्शियस है, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, बाहर का खा रहे हैं, खाने का टाइमिंग नहीं है आपका, दिन भर स्ट्रेस में भी रह रहे, इतना स्ट्रेस रिलेटेड हमारा लाइफ हो गया, तो ये सब चीज़ें भी होती है। और दूसरा कोई दवाइयाँ एंटीबायोटिक ज़्यादा हाई डोज है या फिर कोई दर्द की दवाई ले रहा है, तो उसके वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है, छाले होते हैं। एक आपने जिक्र किया कि खाने का टाइम ना होना प्रॉपर, हाँ, या हाँ, लेट खाना है या भूख लग रही है किसी को और वो खाना नहीं खा रहा, उससे भी एसिडिटी होती है? होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जब हम एसिड, मतलब क्या है, स्टमक में हमारा जो पेट है उसमें एसिड सीक्रेट होता है, वो एसिड का काम क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं वो एसिड जो हम खाना खाए हैं उसको मिक्स करता है, मिक्स अच्छे से करता है पूरा खाने को, क्योंकि हम चबा के खाते हैं, जो वो खाने को मिक्स करता है एसिड, उसको जैसे मिक्सी में मिक्स होता है, मिक्स होकर फिर वो हमारी छोटी आंतों में आगे बढ़ता है, तो छोटी आंतों से वो मिक्स होकर जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो हमारा मोशन बन के, जो हमारा जो मोशन बन के निकलता है, मल बनता है, स्टूल करके पास हो जाता है वो, तो एसिड मेन उसका काम वो है। तो वो एक हमारा डायोर्नल वेरिएशन है, ब्रेन से सेट है कि जैसे आप डेली रात को 9 बजे खाना खा रहे हो, 8 बजे हमारा एक सर्कैडियन रिदम फिक्स हो गया है कि रात में ये इंसान की रात में 8 बजे खाना खाएगा, मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट ले रहा है, तो उस टाइम पे एक सर्कैडियन रिदम बन गया, ब्रेन से आपका एक सिग्नल जाता है कि अभी इसको खाना है। तो कभी कभी आप अगर लेट खाना खा रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तो एसिड से फिर बर्निंग होगा, क्योंकि एसिड तो सीक्रेट हो रहा है हमारा, और एसिडिटी क्या तो ज़्यादा होने की वजह से रिफ्लक्स भी होता है, तो वो हमारा जो खाने की नली है वहाँ पर भी हमको उसके वजह से असर करता है, तो बर्निंग होता है उसके वजह से हमको। एक आपने बात जैसे कही खाने से संबंधित, अगर कोई फास्ट रखता है या बहुत लोग आजकल वजन कम करने के लिए डाइट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस समय कैसा करना चाहिए कि एसिडिटी ना हो? देखिए तो जैसे आपने डाइटिंग कर लेते हैं बिना सोचे समझे, मगर उससे नहीं, डाइटिंग का भी बहुत प्रॉब्लम है कि डाइट आपको मतलब बैलेंस डाइट लेके करना है, जिसमें आपका एटलीस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स है, क्योंकि सभी तीनों एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हमारे डाइट के, तो तीनों की कुछ मात्राएं फिक्स होती है कि उस बॉडी वेट के हिसाब से आप कैलोरी डिसाइड करते हो। जैसे किसी बंदे को वेट लॉस करना है, एग्जाम्पल कोई 80 किलो का है, उसको 60 पे लेके जाना है, तो आप उसको 80 से 60 पे तुरंत नहीं ले जाना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा उसके शरीर को, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, और भी लंबी लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की। तो उसको क्या करना है कि उसको ग्रेजुअल कम करना है, जैसे वेट को जैसे 80 है तो पहले वो उसको टारगेट दीजिए 75 करो, फिर लेकिन ये सब ओवर पीरियड ऑफ 3 to 6 months में करना है, 5-5, 6-6 किलो, एक परसेंटेज फिक्स होता है, जैसे 7.5% आप उसको 2 महीने में कम कराइए, फिर उसको टारगेट दीजिए कि आप 10% नेक्स्ट 2 months में कीजिए करके, ऐसा टारगेट करना, तो सडनली आप नहीं कर सकते। और दूसरा होता है कि हाइपोकैलोरिक डाइट, किसी को अगर जैसे कि आपके वजन के हिसाब से अगर आपको 2200 किलो कैलोरीज का डाइट का रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से, तो आप उसको क्या कीजिए, हाइपोकैलोरिक, मतलब उसको स्टार्टिंग में आप 1500 दीजिए, 500 हाइपोकैलोरिक कीजिए, मतलब 500 से कम दीजिए, कैलोरी डेफिसिट करना बस मेन ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीरो इंटेक कर दे पूरा, तो कुछ शरीर को हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं पूरा, तो हमारा जो पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन जो मसल जैसा, ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे पूरे। तो एक आहार में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, मेन जो हमारा बल्क होता है कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, फिर फैट्स और जो प्रोटीन्स होता है, जैसे कि फैट्स हमको ऑलमोस्ट 20-30% चाहिए, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा जो एक ऑप्टिमम जो लेवल है, मतलब जो चाहिए शरीर के लिए, 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। सपोज की 1 ग्राम, एक एग्जांपल, कोई 50 किलो का इंसान है, तो आप उसको 1 ग्राम पर केजी, मतलब उसको 50 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट चाहिए। हाँ, और यही चीज़ 1.5 हो जाती है रिक्वायरमेंट जब कोई इंसान बीमार है, तो तब वो मुंह से ले नहीं रहा होता, खाना नहीं खा रहा होता, तो उसके क्या बॉडी के अंदर में प्रोटीन, जो मसल्स में हमारा प्रोटीन होता है, वो ब्रेक डाउन होने लगता है, तो आप उसको रिप्लेसमेंट फिर हाई लेवल पे करना होता है। नॉर्मल इंसान के लिए आप 1 to 1.2 कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम जो जनरली जो भी हम खाना खा रहे हैं सब कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन हमको जो मेन देखना होता है फैट और आपका प्रोटीन, प्रोटीन देखना होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। तो एसिडिटी के ये सारे मुख्य कारण हैं जिससे एसिडिटी होती है। और एसिड कई बार हम लोग ने देखा है कि सुबह लोग उठते हैं और पानी पीते हैं, केवल पानी पे रहते हैं और फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करते हैं, तो क्या ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि दिन भर सारी चीज़ें ठीक रहे? बिल्कुल, ब्रेकफास्ट आपको एक अच्छा मतलब कैलोरी अमाउंट देता है, और ब्रेकफास्ट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपका फिर जो एक्सेसिव ईटिंग डे टाइम है वो आपका कम होगा। हमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में, ब्रेकफास्ट में सपोज हम लोग 500 कैलोरीज ले रहे हैं और किसी को 2000 कैलोरीज का अगर रिक्वायरमेंट है, तो ब्रेकफास्ट को आप 1/3 में कीजिए और रिमेनिंग को आप उसको ब्रेक कीजिए, मतलब जैसे कि
40% में, ये 30 है, 40-46 आपका, सॉरी मतलब 30-30 या फिर जैसे भी आप उसको ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा कम करके आप उसको मतलब उसको ब्रेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं किए और लंच के टाइम पे आप एकदम बहुत सारा खाना लोड कर लिए तो फिर क्या हो गया, वो बॉडी के ऊपर में एक स्ट्रेस हो जाता है, फिर वो क्या करता है कि एब्जॉर्व करता है, क्योंकि आप अगर आप सपोज 2000 का आपका कैलोरी का नीड है शरीर में और आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, 2500 कैलोरीज ले रहे हो, तो वो सब जो कैलोरीज है ना वो अल्टीमेटली आपका फैट में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे शरीर में फैट करके जमा होते रहता है, फिर उसके अलग फैट्स के अलग साइड इफेक्ट्स हैं। और एक चीज जैसे देखा गया है कि खाने का समय जो रात का है स्पेसिफिकली, बहुत लोग पुराने वक्त में बोलते थे कि रात को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, तो कितना जल्दी इज गुड? एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी आप 8 से 9 के बीच में खाइए, लेकिन खाने के बाद में आपका जो सोने का और जो खाने का जो गैप है वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे सोना नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप 8 बजे सो रहे हैं तो आपको 11 बजे कम से कम सोना है। हाँ, अगर 8 बजे खा रहे हैं तो आपको 11 बजे सोना है, 2 से 3 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खाना खाने के बाद भी भूख लगती है रात को। अच्छा। तो लोगों को एक शुगर की क्रेविंग होती है, कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, तो क्या ये कोई बीमारी है या बॉडी शुगर की इंटेक? नहीं, अब ये 2 चीज में हो सकता है, अगर किसी को शुगर है, जो डायबिटीज है वो खाना खा रहे हैं, शुगर का दवाई अगर ज़्यादा हो गया है तो आपको रात में क्रेविंग होता है या आपको हाइपोग्लाइसी में होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन से सिग्नल आता है कि आपके बॉडी में शुगर लेवल कम हो रहा है, आपको शुगर खाना है, क्योंकि बॉडी तो चाहता है कि हम जिंदा रहे, कंजर्व करें अपने आप को, तब वो आपको सिग्नल देता है। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा है अगर आप डाइट कम ले रहे हो तो अल्टीमेटली आपको रात में फिर कोई सपोज रात में कोई 2-3 बिस्किट या पानी पी के सो गया है तो रात में उसको मिडनाइट में भूख लगेगा। मेन जो होता है आपको डायबिटीज़ देखना है या दवाइयों का ओवर डोज तो नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा डोज तो नहीं हो रहा है, या तो फिर वो रात में खाना कम ले रहा है। और जिसको डायबिटीज़ नहीं है और उसको भी अगर शुगर की क्रेविंग हो रही है या कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है रात में, तो फिर उसको एक बार टेस्ट करवाना चाहिए। हेल्दी हैबिट है या नहीं है, या उसको शुगर? ये हेल्दी नहीं है, पहले तो उनको शुगर का टेस्ट करना चाहिए कि आपको रूल आउट करना होगा कि इनको कहीं शुगर तो नहीं है करके। okay. शुगर तो नहीं है, और उनका जो डाइट का जो मतलब जो ले रहे हैं वो हमको जानना जरूरी है कि रात में ये क्या चीज मतलब एक्सेसिव ले रहे हैं या कुछ कम ले रहे हैं। okay. ऐसा फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर बेसिकली एकदम अगर सरल और आसान भाषा में बोला जाए तो बेसिकली फैट मतलब चर्बी जो लीवर के ऊपर जमा हो रही है। लीवर बेसिकली हमारा मतलब थोड़ा रेडिश कलर का होता है, उसके ऊपर जब फैट जमा होता है तो येलोइश हो जाता है, तो जो फैटी लीवर है आज के डेट में बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा फैट होगा लीवर उतना ज़्यादा हार्ड होगा, हार्ड होते जाएगा, फाइब्रोसिस बढ़ेगा, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लीवर ख़राब होने के बाद में, जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं खून की उल्टी होना, शौच में खून आना, पीलिया होना, ये सब चीज़ें होती है, तो फैटी लीवर इज़ नॉट गुड। तो बेसिकली जो लीवर की समस्याएं चालू होती है, एक हेल्दी लीवर कैसे रख सकता है व्यक्ति, क्योंकि लीवर की और लीवर की समस्याएं कैसे शुरू होती है उसके बारे में? लीवर की जो समस्याएं हैं बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है वो तो अल्कोहल है, वो सबको पता है, जनरलाइज्ड वे में अगर देखेंगे तो अल्कोहल की वजह से लीवर ख़राब होता है, फिर बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है। ये जो फैटी लीवर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फैटी लीवर बेसिकली आपका जो थोड़े से मतलब हेल्दी हैं, जो ओबेज हैं या थोड़े से मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है उनके हाइट के हिसाब से, तो उसमें फैटी लीवर होता है। दूसरा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और आपका हाइपोथायराइड, और किसी को डिसलिपिडीमिया है मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ये सब चीज़ों में भी आपका फैटी लीवर हो सकता है। और फैटी लीवर तो एक चीज़ है, फैटी लीवर धीरे धीरे बढ़ के फिर वो जैसे अल्कोहल लीवर डिसीज़ बिहेव करती है, जैसे होती है कॉम्प्लिकेशन, वैसे ही फैटी लीवर का जो नॉर्मल जो नॉन अल्कोहलिक है, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, उसमें भी सेम लक्षण दिखते हैं जो अल्कोहल में दिखते हैं जी। सेम, तो बेसिकली लीवर की जो चीज़ें ख़राब होती है वो आपको कहना है अल्कोहल से होती है, और इसके अलावा भी डाइट के वजह से भी कोई होती है चीज़ें ख़राब होती है, जैसे वही मैंने कहा कि अगर कोई फैटी फूड्स बहुत ले रहे हैं, ओवरवेट है, कम कर मतलब कंजम्पशन अगर उनका मतलब हेल्दी नहीं है, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, ईटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वेट बढ़ते जा रहा है, फैटी लीवर का Grade 1 से 2-3 होते जा रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट जो हम लोग ब्लड टेस्ट में करते हैं वो डिरेंज्ड होते जा रहा है, तो वो सब हमारा चीज़ें आगे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत लोग की लाइफस्टाइल ऐसी रहती है, वो बाहर रहते हैं, मीन्स उनका फील्ड वर्क रहता है और वो बाहर कुछ भी पेट भरने के लिए खा लेते हैं, समटाइम्स एक मील घर में खाते हैं बाकी 2 मील या 1 मील बाहर होती है, तो इस केस में ऐसे व्यक्तियों को किन किन टेस्ट
कर लेनी चाहिए कि चेक करने के लिए वेदर उसका लीवर जो है वो फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, हेल्दी है कि नहीं? इसके लिए जो सबसे पहले हम लोग तो मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में 7-8 आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि फैटी लीवर के साथ में लीवर में अगर सूजन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा एक सोनोग्राफी कर सकते हैं, तो उसमें आप ग्रेड्स ऑफ फैटी लीवर बोल सकते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, और एसोसिएटेड अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको सोनोग्राफी में पता चल जाता है। और हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी चेक करना होता है इसमें, लीवर डिसीज़ में प्लेटलेट्स भी देखने होते हैं, क्योंकि लीवर डिसीज़ जैसा जैसा एडवांस होता है प्लेटलेट कम होते जाते हैं। सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक जो हम लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट कम हो रहा है इसका मतलब है डेंगू होगा जी। या कुछ दूसरा है, लेकिन लीवर डिसीज़ जितना सीवियर होते जाएगा उतना प्लेटलेट कम होते जाते हैं। ओके। तो वो भी एक अपन उससे भी पता कर सकते हैं। और आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि फास्ट फूड हर एक एक कल्चर में आ गया है, एक फैशन बन गया है कि बच्चे बाहर जाते हैं या पेरेंट्स के साथ या फैमिली बाहर जा रही है तो एक फास्ट फूड का कल्चर, चाहे वो बर्गर हो, फ्राइज हो या कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ हो गई जो बाहर की है, तो ये कितना डैमेज कर रही है आज, और इसके क्या जो एकदम एंड में जो साइड इफेक्ट्स होंगे या इससे क्या हो सकता है एक व्यक्ति को, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे ओबेस हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये आगे के लिए क्या है कि क्या हो सकता है आगे उनका? नहीं देखिए, ये जो आप बोले ना अभी जो मैंने बताया वही है, जितना ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे, जितना ओवर मतलब वेट होंगे, ओबीज होंगे, ये सिर्फ लीवर के लिए नहीं है, ये आपको प्रीडिस्पोज करती है फैटी लीवर, लीवर डिजीज़ के लिए तो करेगी, पैंक्रियास के लिए भी करेगी, आपका इंटेस्टाइन्स के लिए भी करेगी, आपका डायबिटीज़ के लिए प्रोन कर सकती है, आपका बीपी बढ़ा सकती है, और दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकती है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी जड़ जो है, मतलब कि बच्चे अगर इतना ज़्यादा ओवर ईट करेंगे, ओबेज हो रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो इनको कोई भी शरीर की किसी भी हिस्से की बीमारी हो सकती है, सिर्फ लीवर और पैंक्रियाज नहीं, कोई भी चीज़ें हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है जो जड़ है, मतलब शुगर और जो प्रेशर, थायराइड, ये सब जो बेस है, ये किसी भी शरीर के कोई भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। जी, जैसा आपने बताया लीवर, बहुत लोग का ये रहता है कि अल्कोहल से लीवर खराब होता है। जी जी, तो कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा लेने से, अल्कोहल थोड़ा सा कंज्यूम करने से नहीं होता, तो क्या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार लेने से या महीने में एक बार कंज्यूम करने से लीवर खराब नहीं होता, तो क्या लीवर एक बार लेने से कैसे, क्या है लीवर के लिए? नहीं देखिए, आप अगर एक बार भी, अगर लीवर आप एक बार भी कोई अगर शराब का सेवन कर रहा है, और जो हमारे जो गाइडलाइंस है उसमें बोला है कि फीमेल मोर देन 1 ड्रिंक एंड मेल्स मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे अगर कोई ले रहा है, तो उसमें 90% चांसेस है कि उसको फैटी लीवर होगा। अगर कोई एक हफ्ता लिया है और उसके बाद में अगर टेस्ट करवा रहा है, तो उसमें 90% चांसेस है उसको फैटी लीवर होगा। लेकिन अगर उसके बाद आप बंद कर देते हैं तो वो फैटी लीवर रिग्रेस भी करता है ओवर 4 वीक्स, क्योंकि लीवर का बहुत हाईएस्ट रीजनरेटिंग कैपेसिटी है जी। जो उसके सेल्स हैं जो डैमेज होते हैं, बहुत फास्ट टर्न ओवर है, बहुत अच्छे से रीजनरेट करते हैं 48-72 आवर्स में। ये जो खराब होता है लीवर अल्कोहल वाला, ये क्या डेली सेवन करते रहते हैं करके खराब होता है। Okay. लेकिन अगर आप उसको ब्रेक दे रहे हैं जी, तो वो रीजनरेट कर जाता है। बेसिकली अल्कोहल कंज्यूम करने से लीवर के जो सेल्स रहते हैं उसमें अफेक्ट पड़ता है, खराब होते हैं। एक और समस्या है जो बहुत कॉमन है और सबको होती है, कई बार उनको पता नहीं होता वो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन। जी जी, तो कॉन्स्टिपेशन क्या, किस एज में, इसका कोई एज है नहीं है फैक्टर, कैसा क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? कैसे बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन जो हम लोग कब्ज की बीमारी देखते हैं, ये ना ओल्ड एज पॉपुलेशंस में देखते हैं, कि मतलब अराउंड अभी तो मैं जो देख रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि 40-45 के एज के बाद में थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है ये जी। तो ये थोड़ा एज रिलेटेड भी होता है कब्ज की बीमारी, इसीलिए क्योंकि आप एक एग्जांपल लेंगे, अगर जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो हम खाना खाते हैं उसको आगे बढ़ाता है वो, तो जैसे जैसे एज रिलेटेड होता है तो वो उसकी जो कैपेसिटी काम करने की कम भी होती जाती है, स्लोनेस आता है एक, ठीक है। तो उसको स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, मतलब स्लो ट्रांजिट कम हो गया। जैसे कोई छोटा बच्चा 10 साल का जितना तेज़ी से दौड़ रहा है, आप भी हो सकते हैं उतने तेजी से दौड़ोगे, लेकिन कोई 55 साल का कोई है तो वो उतना तेजी से नहीं दौड़ पाएगा, तो वैसे ही वो भी एक फिजियोलॉजिकल स्लोइंग होती है। Okay. तो ये कॉमन है। Okay. ये कॉमन है, आपको उसको दवाई लेना है, उसको उससे करेक्ट करना है, और बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल में आप हाई फाइबर डाइट्स ले सकते हैं, ठीक है, और दवाई लेने से भी थोड़े दिन तक ये आपका इम्प्रूव होता है, बाकी कारण के लिए आपका फिर
कारण ढूंढने पड़ते हैं कि उस एज में क्यों हो रहा है, रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन है तो बड़ी आहार नली में, मतलब बड़ी जो आंत है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, वो सब के लिए आप आगे का टेस्ट करा सकते हो। कई बार ये भी देखा गया है, जैसे आपने कहा कि 42 के बाद ये जनरली देखा गया है, मगर आज के डेट में देखते हैं कि बच्चे हो या टीनेजर्स हो या 20-30 के बीच वाले हो या 30-40 के बीच में, ये सब भी कॉन्स्टिपेशन या बाउल मूवमेंट प्रॉपर ना होना इसके शिकार हो रहे हैं। तो बाउल मूवमेंट के लिए क्या जरूरी कि प्रॉपर हो? इसके लिए अगेन आपका हेल्दी लिविंग एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि जैसे जो एडल्ट्स हैं, जो टीन्स हैं, इनका खेलना बहुत ज़रूरी है। फैटी फूड्स, जो बाहर जो जंक फूड्स खा रहे हैं, इसको कम करना होगा। आप घर में हाई फाइबर डाइट्स लीजिए, हेल्दी जो लीफी, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है आप वो लीजिए, पानी है सही मात्रा में पीजिए, आप एक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन कीजिए। मतलब सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल मत कीजिए कि आप घर में गए हैं, चिप्स खा रहे हैं, फैटी फूड्स खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ आप काम नहीं कर रहे हो। आजकल के बच्चे जो थोड़ा सा कोविड के बाद में, कोविड की वजह से भी जो थोड़ा घुलना मिलना, खेलना कूदना, इंटरेक्शन भी कम हो गया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अभी कॉमन देखने को मिली है अभी। जैसे कॉन्स्टिपेशन को हम ये कह सकते हैं आम भाषा में, जैसे अपने कब्ज़, बहुत लोग कहते हैं मेरा पेट साफ नहीं होता। हाँ, तो क्या हमने देखा है, बहुत सारी मूवीज भी इसके ऊपर बनी है, वेस्टर्न टॉयलेट और जो इंडियन टॉयलेट होता है, क्या इसका भी बहुत फर्क पड़ता है? इसका फर्क मैं ये बोलूंगा कि इसके ऊपर एक स्टडी हुई थी हमारे इंडिया में, कि उसमें ये बोला गया है कि जो यंग जनरेशन, यंग जब तक हैं हम लोग 40-45 तक, उसके लिए इंडियन जो हमारा जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स है इट इज़ गुड, उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एजिंग होने लगते हो तो हमारे घुटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तब आप उस एज में आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कीजिए आप, तो उसका कुछ अंतर नहीं है, बेसिकली हमारे घुटनों से रिलेशन है। और कम एज में आप जब जैसे इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो जो एक हमारा जो प्रेशर बनता है वो बोलते हैं कि उस अच्छा प्रेशर बनता है इंडियन स्टाइल में, जो हमारा एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, हम जो पोजीशन में जो बैठते हैं उसमें मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी अलाइंड होती है, एक अच्छा स्मूथ आपका मतलब फ्लो होने के लिए वहाँ से। एक और चीज रहती है कि कई बार लोगों को बार बार जाना पड़ता है, ये समस्या रहती है कि बार बार बाउल मूवमेंट हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो क्या ये कोई बीमारी है या ये मानसिक भी रहता है कई बार, कि ये ब्रेन से भी कनेक्टेड रहता है ये? इसमें देखिए, इसमें एक तो होता है कि किसी को, इसको इनकम्प्लीट सेंस ऑफ इवैक्यूएशन बोलते हैं, कि अगर किसी को बोल रहा है कि मेरे को ठीक से क्लियर ही नहीं हो रहा है, दो या तीन बार जाना पड़ता है, लेकिन अगर स्टूल का कंसिस्टेंसी जो है नॉर्मल है तो ठीक है, अगर उसमें ब्लड नहीं आ रहा है या म्यूकस नहीं आ रहा है या पेशेंट को अदर अलग कोई मतलब हीमोग्लोबिन कम नहीं हो रहा है या वेट लॉस नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल भी पकड़ सकते हैं। दिन भर में आप दो बार नॉर्मल व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी स्टूल की नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम पानी जैसा हो रहा है या एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है या पेन हो रहा है या ब्लड जा रहा है या म्यूकस जा रहा है, तब नहीं, दो बार जा सकते हो। ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार एक नॉर्मल व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल बाउल मूवमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी को बाउल मूवमेंट हुआ फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर उनको जाना पड़ता है, तो क्या ये नॉर्मल है? ये ना 5 साल के बच्चों तक नॉर्मल बोलते हैं, इसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, मतलब जैसे कि बड़ी आंत को कोलोन बोलते हैं, और गैस्ट्रो मतलब जब पेट में जब खाना खाता है बच्चा तो एक रिफ्लेक्स होता है हमारा ब्रेन से जनरेटेड, जैसे हम खाना खाते हैं पेट हमारा जो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है तो सिग्नल भेजता है, तो फिर वो वहाँ से ब्रेन से सिग्नल जाता है कोलोन में कि आपको अभी मोशन होने वाला या पॉटी होने वाला है करके। 5 साल तक नॉर्मल है, और ये जो बाद में होता है अगर बाकी कोई कारण हमको नहीं मिल रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के, लास्ट में जब सब आप इन्वेस्टिगेशन सीटी कर लिए हैं पेट का, कोलोनोस्कोपी कर लिए हो, एंडोस्कोपी कर लिए हो, सब चीज़ें नॉर्मल है, तब इसको IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो एडल्ट्स में देखते हैं अपन की खाना खाने के बाद तुरंत जाना पड़ रहा है और या फिर बार बार जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है उसको। तो वो कभी कभी जो एंग्शियस पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में या उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है तो उसके वजह से भी होता है ये। जैसे जो डायबिटिक या BP, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड वाले रहते हैं, उनके भी क्या, उनको भी पेट की समस्याएं हो सकती है डायबिटीज या जैसे मैंने कहा BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसमें तो ये जो चार चीज़ें बोले ये तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ लीवर को नहीं। अब बींग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो मैं इस पे लीवर पे फोकस करना चाहूँगा कि ये जो तीनों चारों की जो चीज़ें हैं ये लीवर पर कैसे अफेक्ट करती है। ये बेसिकली इसको एक मेटाबॉलिक ट्रेड बोलते हैं, जिस इसमें पेशेंट को मतलब डायबिटीज़ भी है, आपका ब्लड प्रेशर भी है और थोड़ा से ओबेज भी हैं, मोटापा भी है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइड भी हैं अगर, तो ये लीवर पे बेसिकली अगेन फैटी लीवर के थ्रू ही ये काम करते हैं, क्योंकि
ये चारों मिलके लीवर पे यही फैटी लीवर डालेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस जो जैसे करते हैं अल्कोहल में, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो इनका जो कंट्रोल है शुगर का, बीपी का, मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का, इनका स्टार्टिंग में जब भी आपको ये मिलता है तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ये चीज़ें अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी तो 101% आपका लीवर पर इफेक्ट आना ही आना है, आज नहीं तो कल। एक और चीज इसमें थी, हमने चूंकि अल्कोहल पे बात की, एक स्मोकिंग की हैबिट रहती है, तो स्मोकिंग कितना इफेक्ट करती है आपके गट हेल्थ को? स्मोकिंग गट हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है, जो आहार नली का वो तो जानते ही आप, स्मोकिंग कैंसर भी कर सकता है। और दूसरा, स्मोक करने से मैंने ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि उनके एसिडिटी की भी चीज़ें बहुत बढ़ने लगती है, क्योंकि जो स्मोक करता है उनका एपेटाइट लो होता है, खाना नहीं खाते हैं टाइम से। और जो ज़्यादा स्मोक करता है तो जो उसके जो फ्यूम्स, जो टॉक्सिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारे स्टमक में जाते हैं, उसके वजह से उनका मतलब पेट की समस्याएं ये बढ़ती ही जाती है स्मोकिंग की वजह से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो आहार नली का जो कैंसर, ये बहुत डेंजरस है, रेयर है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो आपने कहा कि जो फ्यूम्स रहते हैं बेसिकली स्मोकिंग के, तो जो मान लीजिए जो एक्टिव स्मोकर है वो तो फ्यूम्स पास करे, वो तो जय ले रहा, बगल में कोई बैठा है तो वो पैसिव स्मोकिंग से भी आपको कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग से भी हो सकता है। पैनक्रियास की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके पैनक्रिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है पेट में प्रॉब्लम हो रही तो वो पता नहीं चलता है। तो पैनक्रियास की प्रॉब्लम क्या क्या होती है और कैसे उसको कर सकते हैं? पैनक्रियास का जनरली जो, ये तो हिंदी में उसको अग्नाशय भी बोलते हैं। और पैनक्रियास का जो मेन रोल होता है वो दो होता है, एक तो एंडोक्राइन फंक्शन मतलब जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है शुगर कंट्रोल करने का, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है खाना पचाने का, उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं अमाइलेज और लाइपेज जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के काम में आता है हमारा। तो पैंक्रियास का जो बीमारी है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, और ये बेसिकली सूजन बोलते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन, और एक होता है पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, तो जो ज़्यादा देखा जाता है छोटे बच्चों से जो शुरू होता है उसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, बड़ों को भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। इसके जो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं गॉल स्टोन, मतलब अगर किसी को पथरी है गॉल ब्लैडर में, वो पथरी अगर निकल के बाहर आ गई है और डक्ट के पैंक्रियास को अगर ब्लॉक कर रहा है तब पैंक्रेटाइटिस होता है। अल्कोहल, अगेन अल्कोहल, स्मोकिंग, कैल्शियम का लेवल, जैसे बच्चों में जो कारण देते हैं कैल्शियम का लेवल अगर बहुत ज़्यादा तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, या लिपिड्स जो अपन बोल रहे थे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा है किसी का तो वो भी एक पैंक्रेटाइटिस करवा सकता है। तो पैंक्रियास बीमारी जो है ये थोड़े सा मतलब मैं बोलूँगा कि ये ना थोड़ा डेंजरस चीज़ें हैं और ये बार बार हो सकती है, ऐसा नहीं कि किसी को एक बार हो गया तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा करके। इसके होने के पहले कैसे कोई पता लगा सकता है? अच्छा, पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने मतलब पेट के नाभि के तीनों चारों तरफ और ऊपर की तरफ सीवियर पेन होता है कि आप टैबलेट से इसको कवर नहीं कर पाओगे, आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा इंजेक्शन लेने के लिए। और पैंक्रियास का दूसरा एक और चीज़ है, पेन तो होगा ही और ना बैकेक, मतलब बैक में भी पेन होता है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गन अग्नाशय जो पैंक्रियास है ये थोड़ा पेट के पीछे के तरफ रहता है, तो जब सूजन होती है तो पीछे के बैकेक भी आपको होता है उस तरफ, तो ये सामने का पेट का दर्द बहुत सीवियर होता है कि वो इंसान वही बता सकता है कि उसको कितना पेन हुआ है करके, दूसरे लोग उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और बैकेक भी होता है, मतलब मेन जो है इसका पेन सिम्टम है, पेन। और जब भी खाना खाएगा पैंक्रियाटाइटिस वाला पेशेंट, आप उसको पेन होगा। एक ये भी सवाल है कि हमें, चूंकि हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम तभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, मगर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास हमें कब कब विजिट करना चाहिए? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आपको तब, जैसे कि हम लोग थोड़ा हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस, मतलब जो डेंजरस साइंस है, रेड फ्लैग साइंस। तो जैसे कि आप जो बोल रहे हैं एसिडिटी वाला, जो एसिडिटी किसी को हो रही है या किसी को पेन हो रहा है पेट में, या किसी को खून का उल्टी हो गया है, किसी का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है एकदम से, प्लेटलेट कम हो रही है, जैसे मानो लीवर डिसीज में प्लेटलेट्स कम होते हैं, डेंगू नेगेटिव है, ठीक है, और फिर जो ओल्ड एज पेशेंट्स है, अगर खून में लैटरिन जा रहा है या म्यूकस जा रहा है आपका, पीलिया हो गया, पीलिया सबसे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पीलिया हुआ है तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास एक बार दिखाना ही चाहिए जी। क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने से ही आपको पता चलता है कि मतलब लीवर में जो
पीलिया का कारण जैसे 3-4 ऑर्गन्स होते हैं, तो मेनली उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि यंग्स में लीवर डिसीज की वजह से ही होता है। पीलिया कैसे होता है और क्या क्या ऐसे कारण रहते हैं पीलिया? पीलिया का कारण होने का जैसे कि मैंने बोला आपको 3-4 ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, तो मेनली जैसे लीवर को पकड़ते हैं हम, लीवर की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को हार्ट फेल हो रहा है उसके वजह से भी होता है, एंड स्टेज में होता है वो, ठीक है। और हमारा एक होता है जो शरीर में खून बनता है, अगर खून टूट जा रहा है हमारा तो उसके वजह से भी पीलिया होता है। बेसिकली ये 3 कारण है, तो वो तो हम देख लेते हैं कि किस कारण के वजह से हो रहा है। तो जैसे लीवर के कारण के वजह से तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अंदर एडमिट होते हैं। जो मेन कारण है इनका हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो जो ए और ई वायरस है ये एक्यूट होता है, ये 2-3 महीने के बाद में रिकवरी कर जाते हैं। और ये जो गंदा जो हम फीकोरल रूट से होता है बेसिकली, कि अगर किसी को है तो वो कहीं गंदा अगर उनका हाथ लग गया, उसे खाना खा रहे हो, मतलब डर्टी चीजों से ये होने का चांसेस रहता है। जो अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक यस, तो अनहाइजेनिक वे से भी हमारे पेट में स्वाभाविक सी बात है जो जाएगा उससे पीलिया होता है, वायरस होता है उसमें, तो वो वायरस से आपको पीलिया हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं पीलिया में पीले पड़ जाते हैं, हाँ जी क्या ये? हाँ जी, पीलिया में देखिए पहले तो आपको यूरिन येल्लो होगा, उसके कुछ दिन के बाद 4-5 दिन के बाद में आँखें येल्लो, और वो जो पेशेंट ही मेरे ख्याल से जब रोज आईने में देखता तो वही पहले नोटिस करता कि मेरी आँखें पीली होते जा रही है करके। लेकिन पहला जो होता है पहले यूरिन येल्लो होगा उसको। पीलिया जानलेवा है, लाइफ थ्रेटनिंग? लाइफ थ्रेटनिंग पीलिया तब होता है कि पीलिया के साथ में एक हमारा एक और कंपोनेंट होता है जिसको INR बोलते हैं, LFT के साथ में INR होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग कि जो लीवर में जो हमारा है ना कोआगुलेंट्स, जो हमारे शरीर में जो खून को नॉर्मल इसमें प्रभाव में रखते हैं, उसमें दोनों बनता है, कोआगुलेंट्स जो हमारे खून को कोआगुलेट करता है मतलब जो थक्का बनाता है खून का, और दूसरा जो खून को पतला रखता है वो भी बनता है, दोनों ही बनते हैं। तो लीवर जब डैमेज होता है आपका तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक INR करके जो कंपोनेंट है जब डैमेज होता है तो INR बढ़ने लगता है। तो INR अगर 1.5 से ज़्यादा हो गया, उसके साथ में अगर पीलिया बोलते हैं कि जैसे आसान भाषा में बोलो कि पीलिया सर पे चढ़ गया या ब्रेन में चले गया, उसको एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। एक्यूट में अगर INR ज़्यादा है और एनकेफेलोपैथी ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, देन इट इज़ वेरी डेंजरस, उसको हम एक्यूट लीवर फेलियर बोलते हैं। उस टाइम पे आपको लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी चीज़ नहीं बचा सकती। और जॉइंटिस के बारे में थोड़ा बताइए, जॉइंटिस कैसे होता है और उसके लिए क्या किया जा सकता है बचाव के लिए? जॉइंटिस बेसिकली वही जो मैंने आपको बोला पीलिया की अनहाइजीनिक प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, आपको घर में अगर पानी उबाल के पीना चाहिए, या अभी तो आरोज और ये सब आ गए हैं अभी तो ये सब चीज़ों से थोड़ा इजी हो गया, घर का खाना खाना चाहिए, अनहाइजीनिक बाहर का मत खाइए क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट पर्सन कितना हाइजीनिक है नहीं, आप बाहर कुछ खाना खा रहे हो तो वो कैसे बना रहा है क्या बना रहा है, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर पेट कि जो भी समस्या है अगर आपको उसको ठीक रखना है गट हेल्थ को या किसी भी चीज को, तो यू हैव टू ईट क्लीन हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक फूड एंड बैलेंस डाइट, बेसिकली बैलेंस कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स और इन मींस विद गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, मींस वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट आप उतने रिक्वायरमेंट में लीजिए, ना आप अंडर न्यूट्रिशन होइए ना आप ओवर न्यूट्रिशन लीजिए, आप बैलेंस न्यूट्रिशन आपको लेना है। एक चीज हमें डॉक्टर साहब बहुत बार देखने को मिली है, बच्चे कॉइन निगल लेते हैं या कई बार बोन फंस जाती है, तो उस केस में डॉक्टर तक लाने के पहले एक पेरेंट्स को या गार्जियंस को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ऐसा जब हो जाता है? तो सपोज इसको हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं, जो बाहर से अगर कोई छोटा बच्चा कुछ खा लिया है निगल गया है, तो उस सिचुएशन में मैं पेरेंट्स को यही सलाह दूंगा कि एक तो आप हॉस्पिटल तुरंत जाइए और दूसरा कुछ उसको खाने के लिए मत दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ उसको केला खिला देते हैं या कुछ पानी पिला देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसके वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्योंकि पेशेंट को अगर वो कॉइन खा लिया है और तुरंत आप हॉस्पिटल में आ गए हो, तो अगर वो कुछ नहीं खाया है तो हम एंडोस्कोपी कर सके उसको डायरेक्ट, फॉरेन बॉडी जो कॉइन है या फिश बोन है कुछ भी हम उसको पकड़ के निकाल लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आँत तो बहुत लंबी होती है, बच्चों में भी 6 मीटर तक होती है, तो वो पूरा ट्रैवल करके आपका पॉटी के रास्ते से निकलता है। लेकिन अगर कोई चीज़ों का डायमीटर जो है अगर 3x5 सेंटीमीटर या 2.5x5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उसका फंसने का चांसेस हाई होता है। अगर पेट में ही हम देख रहे हैं, पहले एक्सरे कर लेते हैं हम लोग अर्जेंट में, एक्सरे में हम देख लेते हैं कि पेट में है कि कहाँ पे। अगर वो पेट को क्रॉस करके अगर छोटी आँत बड़ी आँत में चले गया तब तो आप पॉसिबल नहीं है उसको निकालना, लेकिन अगर पेट में है तो एंडोस्कोपी से उसको पकड़ के हम निकाल सकते हैं। जनरली छोटी चीज़ें रहती है जिनका साइज़ कम होता है वो निकल जाती है, स्टूल में पास हो जाएगी, लेकिन बड़ी चीज़ें अगर रहती है उसको निकालना इसलिए ज़रूरी है, अगर अगर कहीं बीच में फंस गई ना तो आपको
नेक्स्ट जो प्रोसेस आपको सर्जरी करना पड़ेगा, तो बेटर है कि अगर उनको अवॉइड करना है सर्जरी, क्योंकि यू ने आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, फंसेगा नहीं फंसेगा, तो अगर ऊपर दिखता है एक्सरे में स्टमक में है आपका, तो आप उसको एंडोस्कोपी के लिए रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष थैंक यू आपका इंडियन न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष दुधेदी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिन्होंने हमें सारी पेट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में बताया और उसके निदान के बारे में बताया और कैसे अपने पेट का ख्याल रखना है वो बताया। इंडियन न्यूज़ के जानना जरूर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।